अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद कुरैशी और आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म NQ51। आज मुद्दतों के बाद मुझको कोई ऐसी चीज मिली है जिससे मेरा दिल मुतमईन है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मार्केट में जो चीजें अवेलेबल हैं नाउजु बिल्ला उनके अंदर कोई खोट है, लेकिन आज जो चीज मुझको मिली है उस पे मुझे अल्लाह की जात से बड़ी उम्मीद है कि 100% रिजल्ट मिलेगा। और गुज़िश्ता 4-6 महीने से मैं जिन दोस्तों के साथ, जिमी उस्ताद के साथ, हसन भाई के साथ और दानियाल आसिफ के साथ जो शिकार खेलना और जो रिजल्ट आया वो बहुत अच्छा मिला। और यही रिजल्ट हमारे जो हरिपुर के दोस्त हैं वो गवाह हैं कि लास्ट ईयर इन दोस्तों ने तरबेला के अंदर इन्हीं प्रोडक्ट्स पे बहुत अच्छा शिकार मारा। पीके बंगाली फिशिंग के नाम से उस्ताद रिजवान साहब ने हमारे मिलते तरले करने के बाद इस प्रोडक्ट को कमर्शियल किया। मैंने इन्हें कहा, रिजवान भाई अल्लाह को जान देनी है, चीजें यही रह जानी है, तो कभी किसी का भला हो जाए तो बेहतर है। तो इन्होंने कहा, अच्छा नवीद भाई अगर आप कहते हो तो मैं कर देता हूँ और ये सिर्फ हमसे वही पैसे चार्ज करेंगे जो इसकी बनावट पे होंगे। मैंने आप लोगों को 70 वीडियोस में 70 किस्म की चीजें बनाना सिखाई और एंड में क्या होता है, बंदा मुझसे पूछता है खल कितनी डालनी थी, चीनी कितनी थी, शक्कर कितनी थी, फलानी चीज कितनी थी। तो प्यारे भाई ये जो पैकेट्स हैं, इन पैकेट्स ने ये तमाम सवाल हल कर दिए। ये रेडीमेड चारा है, आप इसको लें और जाकर जस्ट इसको बनाएं जो अंदाज बताया जाएगा और शिकार खेलें। नंबर 3, मार्केट में जितने भी मवे अवेलेबल हैं बेहतरीन क्वालिटी के हैं, लेकिन उसमें से कोई एक भी मवा ऐसा नहीं है जो 14 साल, 15 साल, 16 साल पुराना हो। असल मवा अगर चाहिए तो असल मवा आपको पीके बंगाली स्पोर्ट से मिलेगा। और नवीद कुरैशी ने आज तक, मेरी वीडियोस गवाह हैं, मैंने किसी प्रोडक्ट की गारंटी नहीं दी, इन प्रोडक्ट्स की मैं पहली बार गारंटी देने जा रहा हूं। मैंने खुद देखा है, मैंने खुद आजमाया है, बेहतरीन चीज है। तो हम रिजवान भाई से पूछते हैं कि रिजवान भाई हमें आप थोड़ा थोड़ा बताएं कि ये जो 3 रंग हैं इनमें क्या फर्क है, इनकी पैकिंग कितने की है और इसको इस्तेमाल कैसे करना है। रिजवान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हम गरीबों की फरियाद मान ली। अच्छा रिजवान भाई, ये एक सफेद रंग का आटा है, तो ये कौन सा आटा है जरा बताएंगे, इसको क्या है, क्या ये? ये 11 नंबर आटा है जी, ये 6-7 चीजें मिक्स हैं इसके अंदर ना। अच्छा 11 नंबर आपने रखा हुआ है, इसका नाम रखा हुआ है 11 नंबर। ये नाम इन्होंने इसलिए रखा है कि जब आप फोन पे या व्हाट्सएप पे ऑर्डर करें तो आप 11 नंबर बता सकते हैं जी। ये सिंपली जो ना पानी में गूंद के खेलना पड़ेगा, बाकी चीजें सब मिक्स है इसमें। इसमें चावलों वाली झंझट खत्म है, उबालें मिक्स करें, ये टोटल मिक्स हुआ माल है। इसमें पानी से इसको गूंदें और पीछे वेट चारा खेलें, आगे आटा खेलें, बेहतरीन गेम होगी इंशाल्लाह। अच्छा ये जो वाइट आटा है, आपको पता है कि वाइट आटे पे बड़ी अच्छी बाइट मिलती है और बना बनाया वाइट आटा है, और ये कितने किलो की पैकिंग है? कितने किलो की पैकिंग है? 1 किलो की पैकिंग है। और क्या इसकी क्या कीमत क्या रखी है आपने इब्तदाई? ये पर केजी 400 रुपये रखी है मैंने। पर केजी 400 रुपया, यानी कि 170 रुपए का किलो फाइन आटा आता है, 70 चीजें उसमें और पड़ती हैं। मैं जब घर में ये आटा बनाता हूं तो 1 किलो आटा मुझे लगभग जाके 800 से 900 रुपए पड़ता है। जाहिरी बात है ये खाली आटा नहीं, इसमें और ही बड़ा कुछ है, तो बड़े फार्मूले हैं। तो ये तो आपने बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया। अच्छा ये क्या है, कितना बड़ा सा पैकेट और हमारे पास है, इस पे आपने नंबर लिखा हुआ 17 नंबर, ये क्या है जी? 17 नंबर है, ये भी सिंपल है, इसमें भी काफी सारी आइटमें मिक्स है ना, तो इसको ना ब्रेड में या रोटी में गूंद के, जो लोगों को पता कि ये पंजा खेलते हैं जो, वो तो काफ़ी लोगों ने देखी है गेम ना उस पर, तो ये इस तरीके से इसमें पानी डाल के दिली रोटियों से गूंद लें इसको, या ब्रेड के साथ गूंद लें, बेहतरीन इंशाल्लाह गेम होती है, गोला लगता है ये। अभी रावल डैम पे आप लोगों को याद होगा, मैंने आज से 2 महीने पहले मैं और ताहा गए थे सुबह 6 बजे और 2 घंटे बाद हम घर आए थे, हमने 3 दाने मारे थे। उसके बाद नेक्स्ट इतवार मैं और ताहा दोबारा गए थे और वहां पूरा डैम सुन था, और अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा गए थे अगले हफ्ते, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात पूरे वसूख से कह रहा हूं, आशिर हॉस्पिटल वाले जो जरा थोड़ा ऊंचा सुनते हैं वो इस चीज के गवाह थे, राहिल शाह साहब इस चीज के गवाह थे कि मैंने और ताहा ने वहां हाई ब्रीडो की लाइन लगा दी थी और इसी चारे पे खेल रहे थे, और यही मवा मैं इस्तेमाल कर रहा था, और दुनिया ने देखा था कि मैंने वहां लगभग
सारा दिन के अंदर 13 से 14 हाइब्रिड मारे थे। वीडियो में शो नहीं करता हूं, लेकिन जो लोग उस वक्त डैम पे मौजूद थे उन्होंने देखा था। और एक तगड़ा रोहू मुझे लगा था जो मैं निकल गया था, टूट गया था, नीचे जाला था। तो ये चारा भी मेरा अपना आजमूदा है और जिंदगी में पहली बार मैं वो चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आप लोगों के साथ जो मेरी अपनी आजमूदा है। तीसरी वो चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जिसके हवाले से कल भी बन्नी में बात हो रही थी कि 1996 में पहली बार वो चीज अब्दुल्ला स्पोर्ट्स पे अनवार कुरैशी, मेरे अल्लाह जन्नत नसीब करे चाचा मरहूम, ने लॉन्च करवाई थी चौधरी अतर साहब से और अमजद फरलू साहब से। अमजद भाई मुझे आपका पूरा नाम नहीं आता, मैं फरलू कह रहा हूं, माजरत ना कर, माजरत माइंड ना करना। वो चीज आज दोबारा देखने को मुझे मिल रही है मार्केट में। बहुत सारे लोग कहते हैं मीठा पेड़ा केमिकल, कहने को तो यार हम उसको जो वेट चारा होता है उसमें भी शक्कर डाल ले तो उसको भी केमिकल का नाम दे दें तो एक अलग बात है, लेकिन जो प्रॉपर वेट होती है जो पूरे ग्रामों और इंचों के हिसाब से बनाई जाती है जिसमें तमाम चीजों का ख्याल रखा जाता है, असल मीठा पेड़ा ये है। इसको कहते हैं असल मीठा पेड़ा, इसका मार्केट में इस वक्त कोई कंपटीटर नहीं है। और मैं अभी दोबारा मंगला आ रहा हूं और मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास मौजूद होगा, जिन लोगों ने आके देखना है वो देखिएगा कि इस पे रिजल्ट्स क्या मिलते हैं। रिजवान भाई इसके हवाले से हमें थोड़ा लाजमी गाइड करें। ये जी केमिकल है मीठा पेड़ा जिसको कहते हैं आप, इसमें बहुत सारी आइटमें मिक्स है ना, इसमें इसको खेलना कैसे है वो तो हमने आइटमों का तो हमें जरूरत ही नहीं है, इसको इसे खेलना हमारी जिंदगी आपने आसान कर दी। जिस तरह केमिकल बनाते हैं चावल उबाल के, इसको बनाया जाए ना जौ और गंदम के दलिये में, ये बनता स्पेशल उसी में ही। अच्छा, इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। और ये कितने का पैकेट है? ये भी 400 रुपए का पैकेट है। ये आधा किलो का पैकेट जो है ये 400 रुपए का है, मार्केट में एक पाव का पैकेट 300 और 350 रुपए का मिल रहा है। कोई दुकान रिकमेंड नहीं कर रहा, किसी को टारगेट नहीं कर रहा, किसी की नेगेटिविटी नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि शिकारियों को सस्ता और अच्छा माल मिले और कहीं से मिले तो पीके बंगाली फिशिंग स्पोर्ट्स का जो इब्तदाई 3 प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए हैं, मेरा ख्याल है ये तीनों प्रोडक्ट मेरे जैसे फन्ने खां को भी नहीं पता थी, या अगर पता भी थी तो मेरे पास टाइम नहीं था। अगर आप लोगों ने इसको ऑनलाइन मंगवाना हो तो आप लोग नीचे जो नंबर लाइन पे चला दूंगा मैं रेगुलर इनका, इस वीडियो में मैं अपना नंबर नहीं डालूंगा, आप इनको डायरेक्ट कॉल कीजिएगा। और ये जो मव्वे की बोतल है ये वो मव्वा नहीं है जो मार्केट में मिलता है, लफ्ज मव्वा इस्तेमाल कर लेने से चीज मव्वा नहीं बन जाती। मव्वे के पीछे एक नहीं दो नहीं सैकड़ों सालों की रियाजत होती है, सैकड़ों सालों का इंतजार होता है। अभी थोड़े दिन पहले इस साइज की एक बारीक सी बोतल मुझे एक मेरे बहुत काबिल एहतराम और मोहतरम दोस्त ने दी, मुझे जबरदस्ती दी कि नवीद आप ये बोतल ले जाओ, ये मेरी तरफ से तोहफा है। वो बोतल ले जाकर मैंने अपने घर उस दराज में रखी जहां मेरे दफ्तर के तमाम अहम डॉक्यूमेंट थे, जहां लगभग पूरे पाकिस्तान की 2500 FIRों की डुप्लीकेट थी, क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूं, मैं अपने कामों में फंसा रहा, मैंने देखा कोई नहीं। 3 दिन के बाद बेगम ने रौला डाल दिया, तुमने ये इसके अंदर पेंट क्या कर दिया अपनी दराज में, भाई वो ब्लास्ट हो गई थी। तो ब्लास्ट क्यों हुई थी कि मव्वा जब तक अपने प्रॉपर प्रोसेस से नहीं गुजरता, अपने तमाम मराहिल से नहीं गुजरता, अपने तमाम वक्त से नहीं गुजरता, वो मव्वा तैयार नहीं होता। और ये मव्वा कितना पुराना है, इसके अलावा इनके पास और कितना मव्वा पुराना है, हम इनसे रिजवान भाई से पूछते हैं। लेकिन इस मव्वे की मैं 100% गारंटी देता हूं कि ये वो असल चीज है जिसको मव्वा कहा जा सकता है। जी रिजवान भाई। जी भाई, ये लगभग 12-13 साल पुराना है। 12-13 साल? जी जी। तो 12-13 साल के बाद आप निकाल रहे हैं या 12-13 साल से खेलते रहे हैं? मैं असल में ना इसको राख के भूल गया था। अच्छा, तो जब ये मिली है ना मुझे बोतल, वो तकरीबन कोई 2 बोतलें थी 12-12 लीटर वाली ना, 12-12 लीटर, वो मैंने घर शिफ्टिंग की नीचे, तो फिर ये निकली बोतलें ना कहीं स्टोर में जाके पीछे पड़ी हुई थी, और ये अपने प्रोसेस से गुजर के ना ये पूरा इस टाइम तैयार है। रिजवान भाई ये बताएं कि आप बता रहे हैं 12-12 लीटर की 2 बोतलें, इस तरह 24 लीटर बना। जी जी। तो क्या ये मव्वे का प्रोसेस सिर्फ 24 लीटर का या कमर्शियल का या बैकअप पे, जैसे मैंने आपका ऊपर गोदाम देखा था वहां तो मेरे ख्याल को 2000 बोतल पड़ी थी, तो वो क्या है? जी इसी तरह ही बैकअप पे लगी हुई है, माल सारा बैकअप पे, मतलब खत्म नहीं होगा? जी जी इंशाल्लाह खत्म। बड़ी खुशी की बात है कि बैकअप पे खत्म नहीं होगा, बड़ा अच्छा मव्वा है। ऑनलाइन नंबर है, आप डायरेक्ट रिजवान भाई को मैसेज करें, कॉल करें, लेकिन एक मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बिला वजह जो हरकतें मेरे साथ दोस्त करते हैं कुछ वो ना करें, बिला वजह मैसेजेस ना भेजें। हम सबकी इज्जत करते हैं, सुबह उठें तो अच्छे अच्छे सलाम दुआ के मैसेज ना आ रहे हो,
क्विट सिनेरियो से बंदा इरिटेट होता है और काम के मैसेज जो है वो माइनस हो जाते हैं। ये हमारे मेरे छोटे भाइयों की जगह है, मैं 55 साल का हूँ, ये 30-35 साल के, मैं इनकी फिर भी बड़ी इज्जत करता हूँ और मैं इनको भाई कहता हूँ, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने इनको नजायज तंग नहीं करना, जो चीज़ चाहिए रेट पूछने का मैसेज करें, चीज़ का मैसेज करें, आप इनसे मंगवाएं, मंगा के इस्तेमाल करें, अल्हम्दुलिल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा। और ये याद रखिएगा कि मछली के शिकार में तीन चार चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। नंबर एक, आप पॉइंट की सिलेक्शन सही करें, नंबर दो, वेदर सपोर्टेड हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि अल्लाह ताला की रजा हो, मछली की कजा हो और वो आपकी गजा का हिस्सा हो, तब आपको मछली का शिकार लगेगा अगर आप मेहनत करेंगे तो। ये चीजें मैं लगाऊं, बवा डालूं और जाके डैम पे टांगे फैला के सो जाऊं तो क्या मुझे शिकार लगेगा? जो साला दाना लगा होगा वो भी निकल जाएगा। तो भाई मछली के शिकार के लिए बहुत सारे अवामिल होते हैं, लेकिन ये वो चीजें हैं जो मैं ये कह सकता हूँ कि अल्लाह बख्शे चाचा के जाने के बाद 4-5-6 साल का जो मेरा टेन्योर था बहुत टेंशन वाला था, क्योंकि जब तक चाचा जिंदा रहे मैंने चारा नहीं बनाया, वो खुद ही लगे रहते थे, मैं अपने कामों में लगा रहता था, जर्नलिस्ट था, सुबह से निकलता था रात तक बाग, कभी ये थाना, कभी वो थाना, कभी पुलिस, कभी सीपीओ, कभी आरपीओ, कभी पड्डा, तो मुझे पर टाइम नहीं होता था। 5-6 साल 7 साल में बहुत मुश्किलों से गुजरा हूं, लेकिन अब आप इंशाल्लाह मुझे जब भी देखेंगे, बाकी भी सारे मेरे भाई हैं, लेकिन मैं अपने लिए 100% सिलेक्ट करता हूं, तो आज मैं अपने लिए 100% सिलेक्ट कर रहा हूं और ये मैं यहां से लेकर जाऊंगा। ये वो 100% प्रोडक्ट है जिसके बाद मेरी अपनी तलाश खत्म हो गई है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इसके साथ ही नवीद कुरैशी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।